हेलो नमस्कार, नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण अब बीजेपी सरकार ही करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण बीजेपी सरकार के ऊपर ही है। और अगर अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होता है तो अतिथि शिक्षक हाईकोर्ट जा सकते हैं। और बहुत से आदेश हैं जो हाईकोर्ट से नियमित किए गए हैं कर्मचारी, तो वो आदेश लेकर हाईकोर्ट में केस लगा सकते हैं। तो इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जैसे संविदा कर्मचारी थे, गुरुजी थे, जिनने हाई कोर्ट में केस लगाया था, वहाँ से उनका नियमितीकरण हुआ था। इस तरह से अतिथि शिक्षक भी हाई कोर्ट में केस लगा के नियमितीकरण करवा सकते हैं। अगर बीजेपी सरकार नहीं करती है अतिथि शिक्षकों को नियमित, तो ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा की थी, तो ज़रूर पूरी की जाएगी। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और हाई कोर्ट में केस लगाने को लेकर क्या कहा है, पूरी जानकारी रविकांत गुप्ता जी दे रहे हैं। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे नई अपडेट पाने के लिए। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का? प्रचंड जीत हासिल की है और हमें उम्मीद है कि अब हमारा भला बीजेपी ही करेगी। मैं शुरू से बोल रहा था इन चीजों को कि आप लोग किसी भी पार्टी विशेष के ऊपर कमेंट ना करें, तो बहुत सारे साथियों ने हमारी बात सुनी भी, बहुत सारे लोगों ने उसे कहा कि नहीं आप लोग बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। तो हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि भाई साहब सरकार है, बदलते टाइम नहीं लगता, और हुआ वही। आखिर आज आपने जब रिजल्ट आए तो पूरे मध्य प्रदेश में किसी ने विश्वास नहीं किया होगा कि इतने प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, वो आज सभी धराशायी हो गए। ये कमाल किसका है अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये एक आदेश है आपके सामने, आप लोग देख पा रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय 1995 का ये आदेश है, 1995 शिक्षा कर्मी। इस आदेश को लेकर मैं कई बार आप लोगों से बोल चुका हूं कि एक आदेश है जो हमारे जैसे है। इस आदेश की मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, उसको मैं कुछ टाइम से अपलोड कर दूंगा, आप लोग समझ पाएंगे। इस आदेश, ये जो आदेश है शिक्षा कर्मियों का, ये जो नियुक्तियां हुई थी शिक्षा कर्मियों की, सर्वप्रथम पूरा वीडियो देख के जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, फिर बाद में फोन लगाएंगे, भैया आप वीडियो में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हम समझ नहीं पाए। तो ध्यानपूर्वक पहले पूरा वीडियो को देखिए और सुनिए, समझिए, और अगर आपको लगता है कि अब हमारा कुछ भला हो सकता है तो अन्य चीजों पे बात करेंगे सर, प्रमोशन पे बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। पहले जो विशेष तौर पे वर्तमान में जिस चीज के पीछे मैं पढ़ा हूं, मैंने कोर्ट केस की तैयारी 2021 से शुरू की थी, जब मुझे मालूम पड़ा कि जब से 2021 में पहली बार मैंने 500 रुपए लेकर के कोर्ट केस लगाना चाहा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों से अनुरोध किया, मुश्किल से 10-12 लोगों ने 500 रुपए दिए, बाकी लोग उसमें भी असहाय नजर आए। इसके बाद लगातार मैं प्रयास में रहा, मेरी फाइल तैयार होती रही और मैं नए नए जो भी आदेश है कोर्ट के वो मैं निकालता गया, सुप्रीम कोर्ट के हूँ, हाई कोर्ट के हूँ, जहां के भी आदेश है मैं उन्हें सहेजता गया। आज वर्तमान में मेरे पास 4 फाइल तैयार है। ये जो फाइल है डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने आज ढूंढा है, और जो कल अपनी मीटिंग हुई थी हम सभी आदेशों को लेकर गए और हम सभी आदेशों पर बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारा नियमितीकरण संभव है, किस प्रकार से हमारा भला हो सकता है। हमने हर प्रकार के जो भी संभव प्रयास, जो भी संभव रास्ते थे उन पे बात किया, बहस किया। लगभग 10 वकील कल मेरे बैठे हुए थे, जो हाई कोर्ट के हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे, जो उनके अंदर में आप लोग पता होगा कि सुप्रीम जो हाई कोर्ट के वकील होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का वकील अपने पास रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो साथ देगा। जब वो कल जबलपुर आए हुए थे, मैंने कई लोगों को बोला भी कि आप लोग आ सकते हैं, पर किसी को पड़ी कहाँ आए नहीं, फिर बुद्धि की बात करते हैं हम लोग। तो जब हमने बात शुरू किया, सर्वप्रथम मैंने उनको बताया जो दीप्ति के द्वारा करवाया गया आदेश, उसको मैंने उनको दिखाया कि सर इसमें क्या हो सकता है, कोई आदेश अपने काम का है, अगर आगे होता अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं, कहीं दूसरे आदेश लगाए। उन्होंने स्पष्ट बोला इस चीज को कि कभी भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, कभी भी वो राज्य शासन को नियम बनाने के लिए निर्देशित नहीं करते। राज्य शासन नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, और जब वो नियम को तैयार करता है तो वो नियम सही है कि गलत है, उस नियम को कौन सही गलत ठहराएगा, कोर्ट। जैसे आपने देखा कि डीएड अन्य आदेशों पे भी डीएड नियम बनाए गए और अंत में कोर्ट ने उसे खारिज किया, तो ये सही करेगा कौन, कोर्ट। तो वर्तमान में हमारा केस कौन लड़ रहा है, जिसको हमारा अतिथि शिक्षकों का एबीसीडी नहीं मालूम, जिस व्यक्ति को
एबीसीडी नहीं मालूम है, वो हमारे केस भी आज हमारे मुखिया बनके बैठे हुए हैं। जब आपको हमारे नियम नहीं मालूम है, हमारी भर्ती कैसे होती है, हमारा क्या राइट है, किस बेस पे हमें रखा गया है, क्या हमारा बायलॉज है, तो आप क्या मान के केस लगाओगे? जो भी डीपीए अकेडमी के माध्यम जिन लोगों ने केस लगाया है तो उससे एक सवाल करें पहले कि भाई आप नियमितीकरण की बात कर रहे हो, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है ठीक है, अच्छी बात है, हो जाए, हम भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पष्ट ये करिए कि किस बेस पे होगा। अभी जो ऑर्डर हुआ उसमें हमने पूरी तरह से चर्चा किया, जब ये कहा गया कि भाई इससे कुछ हो सकता है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया इस ऑर्डर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आपके पास जो कुछ संभव हो तो कर दीजिए, ना हो तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। और हमें भी उन्होंने यही एडवाइस दी कि भाई आप भी फालतू केस मत लगाइए, पैसे बर्बाद मत करिए, अगर जब तक सरकार नियम नहीं बदलती। तब उनको मैंने दिखाया जो अपना 2018 में ऑर्डर हुआ था, उसके पहले भी हम लोगों ने उसकी भाषा काफी चर्चा की थी, कल उन्होंने उसको स्टडी किया काफी अच्छे से, उनको एक एक पॉइंट को समझा, और जो उसमें कोर्ट ने लास्ट में राज्य शासन को एक निर्देशित किया था कि 5 साल के अंदर, ध्यान सुनिएगा, 5 साल के अंदर बचे हुए रिक्त पदों पर तत्काल आप भर्ती निकालिए, उसके लिए नियम बनाइए और वो पूरे नियम आप जो पोर्टल है उस पर अपलोड करिए। तो आप लोग बताइए सन 2018 11 अक्टूबर 2018 के बाद से कितनी भर्तियां मध्य प्रदेश में हुई है? मुश्किल से 30-30 हजार, इतनी भी नहीं। तो बचे हुए पद वर्तमान में 70-80 हजार अतिथि शिक्षक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और लगभग 25-30 हजार लोग हमारे प्राइवेट में काम कर रहे हैं। तो इतने लोगों का मिला के 1 लाख लोग अगर वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, तो फिर आपने भर्ती कहां की? आपने एक सारा एक पैसा आपने सीएम राइज के नाम पे स्कूलों को बंद किया, स्कूलों को मर्ज किया और पदों को खत्म किया। अब ये आदेश है राज्य शिक्षा शिक्षा कर्मियों के लिए, जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था 1995 में, जो बायलॉज इनके है सेम टू सेम, जो नियम इसमें कहा गया है सेम नियम हमारे लिए मरे हैं, जो इसी के तहत हमारी नियुक्ति होती है, और इसमें इसी केस में इनकी भी नियुक्ति एक सत्र से ज्यादा नहीं होती थी, एक सत्र में इनको बाहर कर दिया था, ये पूरा नियम हमने निकलवाया उनका, और फिर इसके बाद 1998 में इनको रेगुलर भर्ती सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, जब सुप्रीम इन्हें हाई कोर्ट में याचिका दायर की, हाई कोर्ट ने इन्हें मना कर दिया, और इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया। सुप्रीम कोर्ट जब इन्हें याचिका लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे राज्य सरकार से एक सवाल किया कि भाई क्या आपको इनकी आवश्यकता है शिक्षा विभाग में? तो राज्य सरकार ने कहा बिल्कुल है। तो इसके बाद 20 जनवरी 1998 को ये ऑर्डर दिया गया कि लगातार 5 साल काम करने के बाद इनको हम नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ। लेकिन जब ये हाई कोर्ट में नहीं रुकी और ये पहुंच गया कहां? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको नियमित इनके पदों पर नियमित काम करने के लिए निर्देशित किया, तत्काल सरकार इन्हें नियमित पदों पर काम करने की अनुमति प्रदान करे। और ये पूरा ऑर्डर है, इसको देखिए मैं भेज दूंगा पीडीएफ में, पर मैं ओपन नहीं करूंगा, जिसको चाहिए ऑर्डर में मुश्किल में मिला है मुझे, मैंने कितनी मेहनत इसको निकाला है। तो ये सब आदेश हमारे पक्ष के हैं, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आने वाले समय जब अपन कोर्ट में जाएंगे तो 2018 के बेस पे इस केस को हम वहां पे सबमिट करेंगे। 2018 में कोर्ट ने जो हमारी भर्ती हुई है वो पूरी तरह से लीगल माना है। ये कहा है कि जो जिन लोगों का मेरिट में, जिन लोगों की लिस्ट, भले वो बाहर हो गए, स्कूल में नियुक्त नहीं हुए, लेकिन जिनकी एक सूची बना दी गई है, जो मेरिट पे आ गए हैं, वो जिनकी जिनका जो पैनल में है वो सब वैलिड है, वो लोग उनकी जो एजुकेशन वो वैलिड है, अतः हम बाहर भी हो गए हैं तब भी हम वैलिड होंगे, ये हाई कोर्ट का कहना था 18 में। और इसी के बेस पे आगे नियुक्ति हो रही है, आप लोग देख रहे हैं जो भी आदेश हो रहे हैं वर्तमान में, जो लोग बोलते हैं कोर्ट क्या करेगा, जो लोग बोलते हैं ना कोर्ट क्या करेगा, ये सुन लीजिए ध्यान से, जो आपको वर्तमान में नियुक्ति मिल रही है कि पूर्व में कार्यरत को ही नियुक्ति प्रदान की जाए, वो इसी कारण मिल रही है, इसी के आदेश से मिल रही है कि जो गेस्ट गेस्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, जिन लोगों को 2022 में जिन लोगों ने काम किया है और इस साल बाहर कर दिया गया है किसी भी कारण से, मतलब कि उनकी जगह पर किसी अन्य को नियुक्त कर लिया गया है, तो मैंने उनकी जानकारी ना पाई, पर किसी को नहीं पड़ी, आप लोग बताइए क्या मेरी जिम्मेदारी है? अगर आपको ऊपर बीती है तो आपको भी लड़ना पड़ेगा, अकेला मैं नहीं लड़ता। तो इन लोगों ने किसी ने भी अभी जानकारी नहीं। तो इस आदेश में स्पष्ट है, इस आदेश को हम बेस बनाएंगे और 2018 का केस अपना है बेस बनाएंगे, और मुझे गारंटी में देता हूँ अगर हमें प्रदेश के अधिक नहीं, कम से कम 200-300 लोगों का साथ मिल गया, जितने लोगों ने 470 लोगों ने केस लगाया है, जो ऑर्डर हुआ है 470 लोग, 470 में गुणा कर 2600 होगा, मतलब 1500 रुपए दे दिया आपने, और ऑर्डर क्या ले रहे हो, जो संभव होकर उससे कोई काम पे लिख लो, उस ऑर्डर में कुछ हो जाए जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार। और वर्तमान में सरकार को उम्मीद हम करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार हमने बनाई है और हम मानते हैं सरकार हमारी ही सरकार बनी है, लेकिन
जिस प्रकार से हमने सोशल मीडिया में सरकार का विरोध किया था, तो आप उसे भी याद रखना। पर उम्मीद हम करेंगे सरकार हमारी बात सुने और हमारे लिए अच्छा करेगी। तो मैं आप लोगों से बार बार ये आदेश बता रहा हूँ, ये आदेश आप संजीवनी का काम करेगा हमारे लिए। पूरा ऑर्डर है, 40 पेज की कॉपी है, अभी और बहुत सारे आदेश में निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजे हैं कल वकील साहब के माध्यम से। पर बहुत जल्द ये सब ऑर्डर हमारे हाथ में होंगे, और जिनको भरोसा नहीं है वो अपने आसपास जो शिक्षा कर्मी होंगे उनसे पूछ लेना भाई, आपके स्कूल में भी शिक्षा कर्मी वाले होंगे जिनको नियुक्ति मिली थी कोर्ट के ऑर्डर से मिली थी। नंबर जिसको भी चाहिए नंबर मेरे पीछे दिख रहा है ना, 9630340097 दरिकान गुप्ता के नीचे नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रही है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं हर तरह से, और जो भी जानकारी होगी मैं उसे भेज दूंगा। शालिनी जी आप क्या पूछ रही है भैया, बताओ बताओ क्या पूछा, मैंने देखा ही नहीं आपका। देखिए क्लासिकल जो है प्रमोशन के लिए है, प्रमोशन अभी वर्तमान में लगभग 20,000 लोग ज्वाइन करने वाले हैं, और लगभग 20,000 लोग ज्वाइन करने वाले हैं, और अभी लगभग 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 7 से 8 हजार प्रमोशन 15 दिसंबर तक होने हैं। तो आप लोग ही समझ जाइए कितना खतरा हमारे आने वाले समय में रहेगा, भविष्य हमारा है, लड़ना हमको पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी गलत हमारी है, सबसे बड़ी। मैं चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूँ, चिल्ला चिल्ला के थक गया, बोल बोल के पिछले 1 महीने से मैं लगातार लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, लोग मुझे फोन करेंगे सर हमें जुड़ना है, ये कर दो वो भेज दो, सब भेज भी दे रहा हूँ, लोग फॉर्म भी भर देंगे, लेकिन करना कुछ नहीं। एक परेशानी क्यों करो, चलो हम भी बैठते हैं, क्या मतलब। देखिए हम निराशावादी कभी नहीं है ना है और ना कभी होंगे, हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हमको लड़ना आता है और हम लड़के जीतना याद रखें। हमने जब जब हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, चाहे वो प्रचार ने किया है मेरे बारे में, हम सीधी में किसी से पूछ लेना। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने बिना काम किए 1 साल का पूरा पेमेंट लिया है, आज भी जिस प्रिंसिपल के खिलाफ हमने कार्रवाई आज भी हमको याद रख रहे हैं। तो मुझे तो देखो मैं अभी भी निराशावादी इंसान नहीं हूं, मुझे तो हमेशा हर चीज में आशा दिखती है। बहुत सारे लोग सर क्या करें सर कैसे करें सर होगा नहीं होगा, तो क्या किया जाए। आपको देखो आपको कहीं ना कहीं आशा तो रखनी पड़ेगी। 2019-20 में मुझे स्कूल से बाहर कर दिया गया था, इसी चक्कर में नेतागिरी करता हूँ, फिर मैं लड़ना शुरू किया हूँ, मैंने डीओ तक को परेशान कर दिया है और डिप्टी डीओ अभी अंत में हटाए मेरे केस से हटाया, प्रिंसिपल डीओ बीओ सब बिल्कुल परेशान हो गए, अंतिम में मुझे बिना काम किए 1 साल की पूरी पेमेंट दिया उन्होंने ब्याज सहित। तो लड़ना हमारा अधिकार है, होगा समय लगता है पर बहुत जरूर है। और रही बात फीस की बात, हमने सुप्रीम कोर्ट तक की फीस 5,000 बनाई है, लेकिन मैंने सुविधा दी उसमें आप लोग 2 बार में 2 किस्त में फीस जमा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 1 बार में जमा करते, अभी 1 बार में आपसे 2500 की जमा कर दीजिए और अगली किस्त आप आगे जब हम सुप्रीम कोर्ट में जमा केस स्टैंड हो जाएगा जमा कर दीजिए। हमने 2 बार में केस को सेट कर दिया है, जिसको दिक्कत हो रही है फीस की आप 2 बार में जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर साथ नहीं दोगे ना कोई भी नहीं पड़ा होगा, बस वही चलेगा चलता है, आएंगे 2 दिन के लिए दिखाएंगे फोटोबाजी होगी भाई ये होने वाला है वो होने वाला है जिससे अभी तक हुआ। और मैं क्या, मैं तो लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं वो करता रहूंगा, मेरी हेल्प जो है मुझे डीपीआई जाना है, लोगों की हेल्प करना है, जो मुझे फोन करेंगे जो मेरे पास आएंगे उनकी मैं हेल्प करूंगा, और जो मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा, मुझे इतना भरोसा है अपने ऊपर। और मैंने लड़ना सीखा है, मैं कभी हार मानना नहीं सीखा, और आपसे भी उम्मीद करता हूं मैं कि आप भी लड़ोगी, और बिना लड़े कुछ नहीं होना ये ध्यान रखना ना। तो सरकार तो चाहती है कि आप शांत बैठे रहो भाई, जब आपको 10 रुपए मजदूर मिलेगा तो आप 100 रुपए क्यों दोगे, आप खुद अपने आप में सोचो कि अगर आपको 10 रुपए मजदूर मिल जाएगा तो आप 100 रुपए क्यों दोगे। अब मुझे कभी कभी अग्रसर होता है, अब लगता है कि यार क्या लोगों से अभी समय है, हमने केस कोर्ट में फाइल कर दिया है, कल हमारा जो केस है हाईकोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, अगर इस बेस पे पदों पर समयोजित किया जाएगा हमें, इस बेस पे अगर हाईकोर्ट हमारा केस एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी, हम फिर हाईकोर्ट में ही मन लगा लड़ाई लड़ेंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, 10 तारीख तक हमारी पहली सुनवाई हो जाएगी, कल या परसों में केस दोबारा पेश हो गए कोर्ट में, कोर्ट में हम केस लगा दिया है, बट अभी हम लोगों में जुड़ने हैं, उसमें जितने जितने लोग जुड़ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा और उतना अधिक उतनी मजबूती से हम केस को लड़ पाएंगे।
चलिए विवेक जी, ये तो बता दिया ना कि आप कल परसों तक कर दो, अभी समय हम दे रहे हैं आपको 10 तारीख के पहले पहले सभी लोगों का कि डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट आ जाने चाहिए हमारे पास। चलिए जो भी आपके सवाल थे, देखिए प्रमोशन की जो बात हो रही है, प्रमोशन नहीं रुक सकता, कोई भी अपने आप को जो कहता हूँ हम रुकवा दें, कोई भी अध्यक्ष हो, सचिव हो, जो भी हो, मैं इस चीज से बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ कि प्रमोशन रुक सकता है। जो शासन का नियम है ना, तो भर्ती रोक सकते हो, अभी अगर भर्ती का सिलेक्शन जाएगा ना, वर्ष दो का अगर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ गया तो आप उसे भी नहीं रोक सकते। जो नियम है वो नियम, उसमें कुछ नहीं हो सकता। जुलाई अगस्त के पैसे काट लिए, क्यों काट लिए साल नहीं, तो विशेष तौर पर ध्यान दें। आप लोग अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएं खबर को, और मुझे उम्मीद है मैं जो शिक्षा कर्मी का आदेश है उसे मैं डाल दूंगा। तो आप लोगों से एक ही अनुरोध है, मैं बार बार अनुरोध ही कर रहा हूँ, बाकी तो कर नहीं सकता, लड़ तो सकता नहीं आप लोगों से, सरकार से लड़ नहीं पा रहा हूँ आपसे, कह रहा हूँ। तो आप लोग भी जरूर के लिए, एक लड़की है सीमा विश्वकर्मा, उस लड़की से ने मुझसे बार बात की थी कि सर मुझे स्कूल से बाहर कर दिया गया है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा लड़ो, और मैंने उस पर गजब का जज्बा देखा है, भले उसका भी भला हो पाया हो ना हो पाया हो, लेकिन उन्होंने, विवेक जी मुझे आपको पीछे मेरे पीछे नंबर दिख रहा था, उससे मैसेज करिएगा, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। तो उस लड़की ने पूरा 2 महीने से मैं देख रहा हूँ भोपाल सतना कर रही है, और लड़ते लड़ते आज उसने अपने नाम पे ऑर्डर भी करवा लिया। ये होती है लड़ाई, कभी हार मत मानो, जीत जरूर होती है। मैंने ये सीखा है 2019 में, मुझे 2 साल बाद पेमेंट मिली है, 2019 की पेमेंट मुझे 2021 में मिली है, लेकिन मुझे मिली। लड़ो, और लड़ोगे नहीं ना तो कोई भी आएगा और उसका फायदा उठा के चला जाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बस पूछिएगा मत, फोन लगाते हैं पूछते हैं सर ये भेज दो वो भेज दो, और फिर लोग गायब हो जाती है। तो आपसे अनुरोध है आप सब जुड़ेंगे और आगे हम बात करेंगे। अभी मैं आपको वीडियो, कुछ टाइम से एक वीडियो डाल रहा हूँ जो ये इसके ऊपर मैंने बनाया है पूरा, तो आप लोग उसे देखिए और खुद अनुकरण करिए कि हमें क्या करना चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमें यहाँ से हम रोड पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। अभी शिक्षा रोड में भी लड़ेगा और कोर्ट में भी लड़ेगा, जहां से भी उसे लाभ मिलेगा हम लाभ लेके रहेंगे। गुरु जी की तरह नीति बनी थी, गुरु जी भी कोर्ट से ही ऑर्डर लेके आए थे, बस सब लोग करवा लो, वो सरकारी, हमें कुछ ना करना पड़े, सब सरकारी करें। चलिए ठीक।